इस बीच केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाया गया है। एबीपी न्यूज पर हम आपको सबसे पहले पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ईडी दफ्तर अब लाया गया है केजरीवाल को, राउज एवेन्यू कोर्ट से अब ईडी दफ्तर पहुंच गया है केजरीवाल। और ईडी दफ्तर से हमारे साथ मेरी सहयोगी मदिया खान जुड़ी है, वहां का हाल बताएंगी मदिया। बिल्कुल विवेक, आपको बता दूं इस वक्त अभी कुछ मिनट पहले ही अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें ले आया गया था, ईडी अधिकारी ईडी के अफसर जो थे साथ में थे और वो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। लेकिन जिस गेट पर हम मौजूद हैं वहां से अंदर नहीं लाया गया है, उन्हें दूसरे गेट से अंदर लाया गया है और फिलहाल वो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। इस वक्त की ताजा अपडेट यही है विवेक जी। तकरीबन आपने जो कोर्ट रूम में देखा आज के कितने देर कोर्ट में आज बहस चली है और उसके बाद फिर फैसला सुरक्षित रखा गया है। देखिए एक और गाड़ी ईडी की कोई आई है लेकिन उसमें कौन है ये अभी कह नहीं सकते। हालांकि जो कैमरा पर्सन से विजुअल्स बनाने की और कैच करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि आखिर इसमें शायद कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज कोर्ट परिसर में देखा गया कि 3 घंटे तक बहस चलती है, उसके बाद जज ने जो कोर्ट में फैसला है उसको सुरक्षित रखा और उसके बाद अब जाकर फैसला सुनाया है। अब 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और उसके बाद 28 मार्च को दोपहर में फिर एक बार उन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट में और उसके बाद आगे देखना होगा कि ये जो मामला है ये क्या रुख लेता है। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि कोर्ट से निकल के अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। 8:51 का वक्त हो रहा है, तो क्या अरविंद केजरीवाल आज यहीं रहने वाले हैं या फिर उन्हें कहीं ले जाया जाएगा, आगे की अपडेट क्या है? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्योंकि ये डिनर का भी वक्त है तो जाहिर सी बात है उनसे डिनर के लिए भी पूछा जाएगा और जो पूरा औपचारिक तरीका है उसी हिसाब से पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी की जो टीम है वो क्या कुछ फैसला करती है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ईडी के पास और यही वजह है कि इस मामले में जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है वो उन सवालों के जवाब लेने चाहेगी। तो सवालों के जवाब और सवाल जो हैं वो आज से ही शुरू हो जाते हैं, सवाल जवाब या फिर कल से शुरू होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक लंबी फेरिस्त है सवालों की जिसका जवाब लेना जल से जल्द दी जाएगी। वरुण जैन और दिव्यांकर, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।